एवरीवन, हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिर बैलेंस शीट, ये तीनों ही बनाना सीख लिया। आज हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें कि ये तीनों ही बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सवाल है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मिसेस राम ऑन 31st March 2022, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये बनाना है। ट्रायल बैलेंस ये दिया हुआ है जिसमें ये डेबिट कॉलम है और ये क्रेडिट कॉलम है। तो क्या है ट्रायल बैलेंस के बारे में, कि इसके डेबिट कॉलम में एसेट और एक्सपेंस होते हैं, तो एसेट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं और जितने भी सारे एक्सपेंस है उन्हें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लायबिलिटीज होते हैं और इनकम होते हैं। लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में और जो भी सारे इनकम है उसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सीधे इसी वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसके पहले जो सारा वीडियो डाला है मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। तो पहले क्या बनाएंगे भाई, ऑर्डर क्या है, ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। तो पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है ना, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, ये रुपये का सिंबल, फिर इधर भी वही पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये रुपया का सिंबल, ये हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक अगर है तो वो दिखाएंगे, फिर परचेज दिखाएंगे और जो भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है उन्हें दिखाएंगे, और क्रेडिट में सेल्स दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, और उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट में दिखाएंगे और जो भी सारे अदर इनकम्स है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या बताया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में सबसे पहले शुरू में ओपनिंग स्टॉक अगर है तो, लेकिन सवाल में ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं दिखाएंगे, तो फिर क्या दिखाएंगे, उसके बाद बारी किसकी आती है, परचेज की, तो परचेज को दिखाएंगे। तो परचेजेस, अच्छा परचेज को यहां पे इनर कॉलम में लिखेंगे तब जब अगर परचेज रिटर्न यहां है तो, क्योंकि परचेज से फिर परचेज रिटर्न घटाते हैं तो जो नेट परचेज आता है उसे यहां दिखता है, लेकिन अगर परचेज रिटर्न नहीं है तो सीधा जो परचेज का अमाउंट है उसे यहां पे दिखा देंगे। तो यहां पे परचेज रिटर्न भी नहीं है तो परचेज को दिखा देंगे यहां पे कितना, 50,000 है ना, ये परचेजेज है। उसके बाद में जो भी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है उसे दिखाते हैं, तो कोल गैस एंड वाटर इसे दिखा देंगे, कोल गैस एंड वाटर कितना है भाई, 6,000 इसे दिखाया। उसके फैक्ट्री वेजेस इसे दिखाएंगे कितना, 11,000 ना, फैक्ट्री वेजेस 11,000 इसे दिखाया। उसके बाद में सैलरीज, सैलरीज तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं दिखाना है, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लग रहा है कि, तो बस हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस यही दो था। अब आते हैं क्रेडिट में, क्रेडिट में सेल्स को दिखाएंगे, इसे इनर कॉलम में दिखाएंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न है, जिस तरह परचेज से परचेज रिटर्न घटाते हैं, पर यहां पे परचेज रिटर्न नहीं था तो सीधा परचेज को ही बाहर दिखा दिया, पर सेल्स है और सेल्स रिटर्न भी है शायद, सेल्स रिटर्न यहां पे है हाँ, इसलिए सेल्स को इनर कॉलम में दिखाते हैं। सेल्स कितना है, सेल्स है 80,000 को यहां दिखाया और इससे सेल्स रिटर्न घटा देंगे, सेल्स रिटर्न कितना है, सेल्स रिटर्न तो सेल्स रिटर्न है 1,000 इसे घटाया, उसके बाद में यहां पे 79,000
और फिर क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, पर यहां पे क्लोजिंग स्टॉक भी सवाल में नहीं है, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। अब करते हैं इसका क्या करेंगे भाई, तो टोटल कर देते हैं। क्या है टोटल का, कि जिस तरफ का टोटल ज्यादा है उसे ही दोनों तरफ लिखेंगे, पर है क्या, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो उसे यहां लिखेंगे और यहां जो बैलेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा होता है तो उसे ही यहां भी लिखेंगे और यहां जो बैलेंस आएगा वो ग्रॉस लॉस होगा। पर इसमें तो क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है ना, तो इसे यहां पे लिखा 79,000, इसे यहां पे लिख दिया 79,000। अब इसे घटाएंगे तो घटाकर हमारा कितना आएगा, 6,720,025,6 12,000 ये निकला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, ग्रॉस टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे हैं ट्रांसफर। अब ये नीचे बनना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट आए इसे इस तरफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से है भाई, तो ट्रेडिंग अकाउंट से है। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट, 12,000, इसे यहां लिख दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दिखाएंगे, तो क्या है, तो सबसे पहले ये सैलरीज, टू सैलरीज कितना 9,000, उसके बाद में रेंट 4,000, उसका डिस्काउंट है और डेबिट में है, मतलब डिस्काउंट अलाउड है, तो ये खर्च है, इसे डेबिट में दिखाएंगे, टू डिस्काउंट कितना 3,000 है ना, इसे दिखाया। उसका एडवर्टीजमेंट विज्ञापन का खर्चा कितना 500 रुपए, 500 टू एडवर्टीजमेंट 500। उसका ड्राइंग्स को क्या करते हैं, सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल से घटाते हैं, तो इसे यहां कुछ नहीं करना। लोन है और लोन डेबिट में है, मतलब फर्म ने लोन दिया है, तो ये लोन जो है फर्म के लिए एसेट है, इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। पेटी कैश, ये भी क्या खुदरा जो नगद रुपया है वो है, तो वो क्या है, वो भी एसेट है, बैलेंस शीट में दिखेगा। एसेट सारा नहीं दिखाते हैं, लायबिलिटी सारा यहाँ नहीं दिखाते हैं, यहाँ सिर्फ एक्सपेंस दिखाते हैं और इनकम दिखाते हैं, तो पेटी कैश भी नहीं दिखाया। सेल्स रिटर्न को तो सेल से घटा दिया। मशीनरी, ये भी एसेट है, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, इसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इनकम टैक्स, ये क्या है, तो ये पर्सनल एक्सपेंस है ड्रॉइंग्स की तरह, तो इसे भी कैपिटल से घटाएंगे। फर्नीचर, ये भी एसेट है, इसे यहाँ नहीं दिखाना है। अब इसके बाद में आता है क्या, तो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्रेडिट में, ये इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, अदर इनकम, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम ये कितना है, तो ये है 5,000, इसे दिखा रहे हैं यहां पे। उसके बाद में क्या, लोन है, लोन इधर भी है, तो लोन क्रेडिट में है, मतलब फर्म ने लोन लिया है, ये लायबिलिटी है फर्म का। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लायबिलिटी है फर्म का। सेल्स को दिखा दिया, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल भी बैलेंस शीट में जाएगा। तो हमारा बन गया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। अब इसका भी उसी तरह करेंगे, टोटल देखते हैं किधर का टोटल ज्यादा है। तो ये हो गया 12,570,940,300, इधर ही का टोटल ज्यादा है 70,000। इसी 17,000 को यहां भी लिख लिया। इसके बाद में अब यहां बैलेंस जो आएगा कितना आएगा 500। ये क्या हुआ हमारा, क्या क्या 17,000 में ये चारों को घटाया तो हमारा 500 बैलेंस निकला, वो निकला नेट प्रॉफिट, जिससे कि हम कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, है ना। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और यही अगर डेबिट ज्यादा आता तो हमारा बैलेंस आता यहां, वो होता नेट लॉस, उसे भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते। पर है क्या,
ये प्रॉफिट है तो जाकर कैपिटल में जुटेगा, और अगर लॉस होता तो कैपिटल से घटता। अब कोशिश करते हैं यहीं पे बैलेंस शीट बन जाए छोटा सा, है ना। बना लेते हैं बैलेंस शीट। ये हो गया क्या कैपिटल एंड लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, अमाउंट, ठीक है। क्या बना रहा भाई? बैलेंस शीट, यहां लिख दिया बैलेंस शीट, ठीक है। अब पहले लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल दिखा देते हैं। कैपिटल कितना है? 20,000 लिख दिया कैपिटल 20,000। इसमें प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट कितना आया? 500। इसे जोड़ दिया तो हो गया 20,500। और चूंकि ड्राइंग्स वगैरह नहीं तो सीधा ये 20,500 को यहां पे दिखा देते, पर ड्राइंग्स वगैरह, ड्राइंग्स कितना था? तो भाई ड्राइंग्स था, देखा था जी हम लोगों, 1,000। और इनकम टैक्स भी था, वो भी पर्सनल एक्सपेंस है, वो कितना था? 100 रुपए। इन दोनों को घटाएंगे, मतलब 1,000 और 100, 1,100 रुपए घटना है। तो लेस ड्राइंग्स 1,000 और दूसरा इनकम टैक्स 100, ये दोनों घटेगा, 1,000 और 100 है ना, 1,100 घटेगा, ठीक है। तो कितना होगा? 20,500 में से 19,400 है ना, 19,400 ये हो गया। और उसके बाद में कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एक है ये लोन है 10,000 का, इसे दिखाते हैं। लोन 10,000 हो गया। उसके बाद में और क्या है? और लायबिलिटी में है बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर्स। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है ये, है ना। क्या ऑर्डर बताया था मैंने? अगर परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस हम बैलेंस शीट को बनाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले कैपिटल और उसमें जो एडजस्टमेंट होना है वो कर देते हैं, फिर लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटी है तो उसे दिखाते हैं, जैसे लोन है उसके साथ करंट लायबिलिटी को दिखाते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी हमारा कितना? ये है 1,000, इसे दिखा दिया यहाँ। उसके बाद में है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है? 13,000 है ना, इसे दिखा दिया 13,000। अब इसका कर लेते हैं हम लोग टोटल, तो हो गया 43,400, और यही टोटल हमारा एसेट साइड में भी आना चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो इधर सबसे पहले सारा फिक्स्ड एसेट दे देते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में क्या है भाई? फिक्स्ड एसेट में है, एक तो है ये मशीनरी, मशीनरी दिखा देते हैं। मशीनरी कितने का है? तो 5,000 ना, 5,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, ये कितने का है? तो लैंड एंड बिल्डिंग है 10,000, इसे दिखा दिया। उसके बाद में फिर है फर्नीचर, फर्नीचर इसे दिखा दिया, फर्नीचर कितना बताया था? फर्नीचर 9,900 इसे दिखा दिया। उसके बाद में ये फिक्स एसेट हो गया। अब करंट एसेट दिखाता है, तो करंट एसेट में सबसे पहले यहां पे डेटर्स है, डेटर्स को दिखा देते हैं। कितना है डेटर्स? 12,000 इसे दिखा दिया। और करंट एसेट्स में कुछ, हाँ एक लोन दे रखा है,
इसे दिखाते हैं। तो भाई पहले लोन दिखा लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि लोन जो है लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है, तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट नहीं, करंट एसेट नहीं, फिक्स्ड एसेट। तो पहले लोन को दिखा लेते हैं, क्या ऑर्डर इधर एसेट चेक है, पहले फिक्स्ड एसेट फिर करंट एसेट। तो लोन है, ये लोन कितना है 6000 ना, 6000 इसे दिखा लिया। उसके बाद में क्या बताया था, हाँ डेटर्स 12000 डेटर्स है ना, यहाँ पे 12 इधर, ये करंट एसेट। उसके बाद में और क्या है करंट एसेट में, करंट एसेट में है पेटी कैश, ये 500 पेटी कैश 500। और कुछ और कोई करंट एसेट नहीं है। अब जोड़ते हैं, इस तरफ भी उतना ही आना चाहिए, कितना उतना ही मतलब 43,400 इतना ही आना चाहिए उधर का भी टोटल, है ना। तो देख लेते हैं जोड़ के, तो 400 ये भी आ गया 43,400। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया। तो अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।